फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं। दोस्तों, आज हम आपको परनाज रंधावा और राजू दीदी के बारे में फिर से बताने वाले हैं। दोस्तों, परनाज और राजू दीदी की एक लाइफस्टाइल और एक फैक्ट वीडियो हम पहले से बना चुके हैं। गाइस, ये वीडियो पहले की दो वीडियो से कुछ यूनिक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको परनाज रंधावा और राजू दीदी के बचपन से लेकर उनके अच्छे कैरियर तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन तोमर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तुसी मोटे मोटे ओ, तुसी मोटे मोटे। परनाज रंधावा का जन्म सन 2000 में हुआ। परनाज बचपन से ही बहुत क्यूट है। परनाज अपनी फैमिली के बचपन से ही लाडले रहे हैं। परनाज बचपन से ही बहुत शरारती रहे हैं। परनाज जब छोटे थे तब इनके मॉम डैड इन्हें पीजे कहकर बुलाते थे। परनाज और उनकी फैमिली की कुछ पुरानी यादें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फोटो खिंचना भी जरूरी है जनाब, शीशियां विच गुजरा होया कल नहीं दिसदा। परनाज एक हाई क्लास डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। परनाज और उनकी सिस्टर दोनों ही बचपन से बहुत क्यूट हैं। इनकी फैमिली में इनके मॉम डैड और इनकी एक बड़ी सिस्टर है जो इनके साथ हमेशा दिखाई देती है। परनाज पंजाब के तरनतारन सिटी से बिलोंग करते हैं। परनाज तरनतारन सिटी के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन ये फिलहाल में तरनतारन सिटी में ही रहते हैं। परनाज का फुल नेम परनाज प्रीत सिंह रंधावा है। परनाज अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और इनका ड्रीम है कनाडा से अपनी स्टडी कंप्लीट कर वापस आकर पंजाब के किसी थिएटर में मॉडलिंग करें। परनाज को बचपन से एक्टिंग करने का ज़्यादा शौक रहा है। परनाज एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये अपनी आस्था में बाबा दीप सिंह जी को मानते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं राजू दीदी के बारे में। राजू दीदी एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। राजू दीदी का जन्म पंजाब के तरनतारन सिटी में ही हुआ। राजू दीदी का रियल नेम राजवीर कौर है। राजू दीदी का नाम उनके घर वालों ने प्यार से राजू रखा। जब राजू दीदी सोशल मीडिया पर छा गई तो इनके नाम के पीछे खुद ब खुद दीदी लग गया। लोगों ने इनके नाम को पसंद भी किया। राजू दीदी जब छोटी थी तब इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। राजू दीदी की माँ किसी न किसी के घर काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। घर के हालात अच्छे न होने के कारण राजू दीदी अपनी ठीक से पढ़ाई न कर पाई। कुछ सालों बाद राजू दीदी बड़ी हो गईं और वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए काम करने लगी। कुछ ही दिनों बाद राजू दीदी की मां ने उनकी शादी कर दी। शादी होने के बाद राजू दीदी की एक अलग फैमिली बन गई। कुछ सालों बाद राजू दीदी के तीन बच्चे भी बड़े होने लगे। राजू दीदी के पति ने उनको छोड़ दिया। पति के छोड़ने के बाद ये वापस अपने घर आ गई। राजू दीदी के पति का उनको छोड़ने का जरा सा भी दुख नहीं हुआ। ये बचपन से ही कठोर और मजबूत इरादों वाली रही हैं। राजू दीदी हमेशा खुद पर डिपेंड रहती हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे परनाज और राजू दीदी के मिलने से लेकर सक्सेस हासिल करने तक की पूरी कहानी। राजू दीदी की माँ परनाज रंधावा के घर काम करने जाया करती थी। राजू दीदी की माँ की उम्र ज़्यादा होने के कारण उनसे काम नहीं होता था और वो दूसरे तीसरे दिन बीमार पड़ जाती थी। जब उन्हें पूरी तरह से बीमारियों ने घेर लिया तो उन्होंने परनाज के घर राजू दीदी को काम पर भेजा। परनाज पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। उनकी वीडियो लोगों ने पसंद की नहीं और उन्हें सोशल मीडिया पर बार बार हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने आस भी छोड़ दी कि मुझे यहाँ सक्सेस नहीं मिलेगी। आओ लुकिया गलासी शामी पक्किया गलासी बिल्लो टाइट नहीं हुंदा पर लोर हूं दिखासी बिल्लो। राजू दीदी का टाइम से आना टाइम से जाना परनाज को अच्छा लगा। परनाज ने सोचा क्यों ना मैं राजू दीदी के साथ वीडियो बनाऊं। परनाज ने राजू दीदी को सोशल मीडिया के बारे में समझाया और उन्हें बताया हम लोग सोशल मीडिया द्वारा बहुत आगे जा सकते हैं। परनाज ने राजू दीदी के साथ एक वीडियो क्रिएट किया। जब ये वीडियो परनाज ने अपलोड किया तो इस वीडियो ने धूम मचा दी। इस वीडियो के बाद परनाज राजू दीदी के साथ वीडियो डालते रहे। कुछ ही दिनों बाद परनाज के टिकटॉक पर 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। परनाज ने जब राजू दीदी के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो कुछ लोग इनका रिश्ता जानना चाहते थे। गाइस, हम आप लोगों को बता दें ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी आगे की जर्नी की। कुछ दिनों बाद इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होने के बाद परनाज ने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया। ये इंस्टाग्राम रील्स पर अपनी वीडियो डालने लगी।
इन दोनों की जोड़ी देखकर लोगों ने इन्हें रील्स पर भी सपोर्ट किया। ये दोनों रील्स पर भी ट्रेंडिंग में चल रही थी। पन्नाज की इंस्टाग्राम आईडी पन्नाज रंधावा के नाम से ही है। इनके इंस्टाग्राम पर 545 पोस्ट में 269 के फॉलोअर्स हैं। आप पन्नाज के इनके स्नैपचैट से भी जुड़ सकते हैं। पन्नाज को अब स्नैपचैट पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पन्नाज का एक यूट्यूब चैनल भी है। इनका यूट्यूब चैनल पन्नाज रंधावा के नाम से ही है, इस पर ये ब्लॉग वीडियो डालते हैं। पन्नाज का राजू दीदी के साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत पसंद आया और लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया। पन्नाज का कहना है, मैं सोशल मीडिया पर कभी ग्रो नहीं कर पाता अगर राजू दीदी ने हमारा साथ नहीं दिया होता। पन्नाज के यूट्यूब चैनल पर 24K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पन्नाज और राजू दीदी के फेवरेट थिंग्स के बारे में। पन्नाज के फेवरेट एक्टर रणदीप हुड्डा हैं। पन्नाज के फेवरेट सिंगर दिलीप दोसांझ हैं और इनका फेवरेट कलर ब्राउन है और इनका फेवरेट फूड पिज्ज़ा है। वहीं अगर बात की जाए राजू दीदी की, तो राजू दीदी के फेवरेट एक्टर अजय देवगन हैं और इनकी फेवरेट एक्ट्रेस काजोल हैं। इनका फेवरेट कलर रेड है और इनका फेवरेट फूड बर्गर है। चलिए अब बात कर लेते हैं पन्नाज और राजू दीदी के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। पन्नाज की हाइट 5'8" है और इनका बॉडी वेट 58 kg है। इनका आई कलर ब्लैक है और इनका हेयर कलर भी ब्लैक है। वहीं राजू दीदी की हाइट 5 feet है और इनका बॉडी वेट 52 kg है। इनका आई कलर ब्लैक है और इनका हेयर कलर भी ब्लैक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम पन्नाज रंधावा और राजू दीदी की जितनी भी जानकारी जुटा पाए वो हमने आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोगों के पास पन्नाज रंधावा और राजू दीदी की कोई एक्स्ट्रा जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद। दीदी रिकॉर्ड कहती चाहिए हाण, मैं क्या ना, मेरी आकड़ नी मान, 30 मार खा जट, 30 मार खा।